जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज है जुम्मतुल विदा, आखिरी जुम्मा है इस रमज़ान शरीफ का, तो मैंने कहा आज ब्लॉग बनाते हैं। अभी मैं रेडी हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमज़ा भाई भी रेडी हैं, तो हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। बगैर टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। A few moments later. ये एनकें, ये बाल, रया मराया, ये ट्राई मराया, परा जी जी परा परा, आहा बहुत चंगा ना मैं, आहा बहुत चंगा ना मैं। नहीं अब आप भैया, अब क्या करोगे? जुम्मा शरीफ पढ़ लिया आपने? जी भाई हम ना घूम रहे हैं बैरिया में। ओह यार, अच्छा ये टाइम है घूमने का? जी धूप निकली हुई है, छाँव में मुश्किल से जगह मिली आपको। जी दरख्त वैसे आपको भगा रहा था? बिल्कुल वैसे कह रहा था बिल्कुल निकलो यहाँ से, पहले फुर्सत निकलो। प्यारे व्यू वाली जगह पे खड़ा, वाह बैरियर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी ऊपर से किसी कवे ने अपना काम कर लिया ना, सारा व्यू खराब हो जाएगा। जी हाँ, अच्छा ये देखो क्या रोजे के अंदर आइसक्रीम वाले फेर रहे हैं, कितनी गलत बात है। ऐसे तो नहीं होता है। अब हमजा भाई कब दिल चाहेगा मैं क्या करूँगा भैया, करो तो खराब होगा। भाई दिल तो चाह रहा होगा, आवाज सुन गया आपका? बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं चाह रहा आपका, मुँह पानी आया हुआ है। भैया रोजे कैसे गुजरे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजरे हैं। आपके कैसे गुजरे? आप तो गायब हो गए थे, रोजा कोई तो व्लॉग नहीं ही नहीं बनाया आपने पूरे रमजान में। नहीं लग रहा रोजा? नहीं आपने पूरे रमजान में व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं असल में ना, मुझे शक पड़ गया था, पता नहीं आप रोजा रखते भी हो कि नहीं। व्लॉग नहीं रोजा मैं रखता हूँ, असल में दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। तारक भाई गदर, तारक भाई फुल रॉकेट बन के जा रहे थे। अच्छा तो वजह ये है कि दिल नहीं कर रहा था रमज़ान में व्लॉग्स बनाने का, क्योंकि व्यूवर्स ने सब्सक्राइब तो करना नहीं होता, लाइक करना नहीं होता, कमेंट करना नहीं होता, कि फ़ायदा क्या है व्लॉग बनाने का? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो। अब तो अली हम व्लॉग ने वैसे शुगर में बनाते हैं, हम कौन सा व्यूज़ के लिए बनाते हैं? हम वैसे कौन सा व्यूज़ के लिए बनाते हैं, हम शौक में बनाते हैं, हमारे कौन से ये। अब हर कोई हमें देख रहा है कि पत्नी, हर कोई नमाज पढ़ के घरों की तरफ जा रहा है, ये खड़े हैं रास्ते में छाँव में, क्या फजूल बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसे कर भी रहे हैं। चलो भैया आज आप भी अपना दीदार करो, कोई ज़रूरी बात थी इनमें, कोई ज़रूरी बात थी। चलो आज हमजा भाई का दीदार करते हैं, एक बात चेक कर। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भैया आप इत्तेकाफ क्यों नहीं बैठे इस दफ़ा? ये रोजा ना लग गया, हवा लगवा रहे हैं स्पीड से चलाकर, फुल मुंह पे धोती रखी हुई थी। अच्छा जी जी भाई आप क्यों नहीं रोजा, इत्तेकाफ क्यों नहीं बैठे? पापा के साथ, पापा इत्तेकाफ बैठे हैं, अली के पापा इत्तेकाफ बैठे हैं। जी वो आपके भी पापा ही हैं? हाँ, अली अब दुआएं लेने गया होता मस्जिद में। जी पापा से। जी पापा ने क्या कोई दुआ नहीं मिल दिया? अच्छा हाँ, अपने क्या पहले खिदमत करो, पहले खिदमत करें उसके बाद दुआ मिलेगी। ओके ऐसे ही दुआ कैसे मिल जाए आपको? सही बात भी नहीं आपने, सही बात है। ट्रैक्टर आ रहा है आपको हम ट्रैक्टर दिखाते हैं, आपने कहाँ ट्रैक्टर देखे होंगे? हाँ किसी व्लॉग में आपको ट्रैक्टर कोई दिखाएगा? हमारे ऐसे वायस व्लॉग हैं, आपको हम ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, क्या बात है? ब्यूटीफुल, क्या बात है, उतार दो ग्लासेस, कैमरा नजर आ रहा होता है इसमें, कैमरा नजर आ रहा होता है इसमें। जी तो क्या हो गया, आईफोन नहीं है मेरे पास, असल में मैं वो क्या कहते हैं इतना बर्गर नहीं हूँ कि मुझे आईफोन की जरूरत पड़े, बस यही एंड्रॉयड बहुत अच्छा। अब मेरी हालत ख़राब हो रही है, जल्दी से घर चलें। क्यों रोज़ा लगने लग गया अभी? जी आइसक्रीम वाला किधर गया? चुप,
आपके लिए एक आइसक्रीम लेते नहीं चलो चलें घर चलें। सोच लें भैया लास्ट ऑफर है। कौन सी हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद खिलाना ना, अफ्तारी के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम, अफ्तारी के बाद खिलाना। चलो पैसे मुझे दे दो, पैसे पैसे दे दो, 500 निकालो, बहुत महंगी हो गई आइसक्रीम। 500 किधर से आ गए? हाँ तो 500 निकालो ना। कोई 500 मैं बच्चा थोड़ी है जब 20 रुपए की आइसक्रीम खा लूंगा। 20 रुपए की नहीं लेकिन चलो 100 रुपए तक। जी नहीं 500 है, 100 के अंदर अंदर सारी शहरी के दरमियान में खाता रहूँगा। चलो निकालो। वो गायब हो गया सर, बहुत तेज हो रहा है। इसलिए तो पैसे मांग रहा हूँ कि मैं अफ्तारी के बाद खुद जाके ले लूंगा। वो मैं आपको ले लूंगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी मुझे पता है। आप गंदी चीजें खा लोगे, मैं आपको खुद आइसक्रीम अपने हाथ खा लेंगे। अच्छा तो पहले कौन सी आप बिल्कुल देसी घी और मक्खन खिला रहे हैं मुझे? अच्छा भैया आप बोर ना करें, बनाओ ना आप बिल्कुल बोर कर रहे हो। ये देखो कब भी बोर हो रहा है, उड़ के चला गया। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। कराची के बाद लाहौर के हालात खराब हो गए हैं। अच्छा आप बैरिटोन के भी हो सकते हैं। अच्छा चले खड़े हैं रोड पर, जाना बाइक वाला आ जाए। और आज भी मेरे ख्यालों में जिंदा है, ठीक है शुरू हो जाएगा सारा मामला। ये आजकल कराची वालों के दो मूड चल रहे हैं। नंबर वन, अगर किसी डकैत के साथ काम डाल गया तो पुला पुला के दिल से। नंबर टू, और अगर किसी डकैत ने काम डाल दिया। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। और अगर मैंने वो दूसरा कर दिया। क्या कर दिया? कौन से जन आई 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 वाला भी कर लिया। वाला भी है, टोपी रखी है ना, करो तुम पुले के पे जन से वो वाला कर लिया मैंने, करवाई मैंने डाल दी उन पर। फिर अच्छा मुझे पकड़ गया उन्होंने, डस कर दिया। तो मैं तो कहूंगा डस कर दे, मेरे अपने दिल की मन्नत पूरी हो जाए। मुझे जी शक है। चलो जी चलो यहाँ से चलें चलें चलें। अभी को आ गया ना। चलो भैया आज जुम्मतुल विदा था भैया, लग रहा है, लग रहा है कोई पैगाम है। जी है। क्या है? बड़े भाई की इज्जत करें, चलें। अच्छा चलो भैया आप आज मेरी इज्जत स्टार्ट करना शुरू कर दो। One eternity later. बाल कटाई है और बाल निकले हुए हैं और मेरे कान फट गए हैं। ये आराम से भैया बात करो। अली की नई लुक चेक करें, बाल अली के बड़े हो गए हैं। भाई शरीर गर्मी लगती है रोने में, लेकिन अब रात में निकले बाहर। अब बाल की बात है, बात है लेकिन अब पैर गर्मी में आकर रोने के अंदर पूरा चीज लेने के लिए बताए। अली भाई अब दुनिया को बाहर देखने के लिए निकले हैं पूरे 3 हफ्ते के बाद। जी बिल्कुल, दिखाओ भैया दुनिया कैसी है। दुनिया भैया बहुत अच्छी है, और वो भी रमज़ान। जी रमज़ान का महीना, अफ्तारी के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। अफ्तारी के बाद किसी को कोई जल्दी नहीं होती, सुकून से हर कोई आगे पीछे जा रहा है। अली भाई भी सुकून में है, ना अली भाई भी सुकून में है। अली भाई आए हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रूट और वेजिटेबल शॉप पर। लोग अफ्तारी में फ्रूट चाट खाते हैं, अली सहरी में फ्रूट चाट खाएगा। सारे मुझसे ना रोक रोक के मुझे सेल्फियां लेंगी, ठीक है ना। मैं ऑटोग्राफ दूंगा, ठीक है, ऑटोग्राफ। अच्छा ठीक है, ऑटोग्राफ दूंगा, सेल्फीज लोग लेंगे मुझसे, समझ रहे हैं। A few moments later. Oh, ये तो वाटर बैरल के साथ अली भाई खड़े हैं। Miracle, miracle. Yes. और अभी हमजा भाई को वाटर मेलन के साथ में काटने वाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छुरी उठाई आपने हाथ में। जी इस साथ मुझे काटोगे हमजा भाई आप ना, इसको देखेंगे कि मैं कैसे काट रहा हूँ। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वाटरमेलन। वाटरमेलन की यूट्यूब वो बटन तो आ नहीं रहा, ठीक है सिल्वर बटन। आज हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे वाटरमेलन कैसा दिखता है ब्रांड न्यू कंडीशन में। जी जी ठीक है, और पहली दफा ये दिखाने जा रहे हैं आपको। इसका बटन भी है, ये देखें, ये देखें, ओ रेड बटन है सब्सक्राइब करने वाला। यस ये देखें रेड बटन। तो अली भाई इसको कैसे काटते हैं? ठीक है आज आप मुझे भी सिखाओ। सबसे पहले तो इस बटन को बाहर निकालते हैं, फिर मैं आप पे प्रैक्टिस करूंगा काटने की। क्यों ना, पहले
पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसको ऐसे ऐसे काटना शुरू कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह भाई वाह क्या बात है। आप इसको पकड़ के मुंह से खाएंगे? क्या बोला तूने? नहीं भैया हम दरियाई घोड़ा नहीं है जो मुंह से खाएंगे, दरियाई घोड़ा जो होता है ना वो वाटरमेलन है कि उसमें खा जाते अपने मुंह में डाल के। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप जरूर दिखा सकते हैं अपने शौक से व्यूवर्स को, अगर आप मुंह से खा सकते हैं दरियाई घोड़ा बनकर। खाते तो मुंह से ही है ना? जी हाँ। तो काटिए शुरू कीजिए। अच्छा आप अगर आप कैमरा हटाएंगे तब मैं बैठूंगा तो काटूंगा, देखूंगा किधर से काटेंगे क्या करेंगे। ठीक है। और शाही दस्तरखान का एहतमाम किया जाए। जी सहरी का वक्त होने वाला है। जी इसको कह रहे थे ठंडा हो गया, अभी कोई ठंडा नहीं हुआ। ठंडा नहीं हुआ अभी भी इसमें वो है मतलब गुंजाइश है ठंडा होने की। चलो आप खा लो, आपको फ्रिज में बंद कर देंगे फिर। अच्छा उसे क्या होगा? उसे आप भी ठंडे हो जाएगा, ये भी ठंडा हो जाएगा। वाटरमेलन फिर भी ठंडा नहीं होगा। बस आप तो ठंडे हो जाए, मैं ठंडा। मकसद ये है कि आप ठंडे होने चाहिए, आप ठंडे हो जाओगे इस तरह। नहीं हम मुझे ठंडा करने का मकसद नहीं, मकसद ये है इसको ठंडा करना है। मैं सारे फ्रेम निकाल दूंगा फ्रिज में से, आपको बिठा दूंगा उसमें। अच्छा वायर से लॉक कर दूंगा फ्रिज। जब आप मुझे बिठा रहे हो मैं आपको पकड़ लूंगा और आपको मैं फ्रिज में बिठा दूंगा अपने साथ। ठीक है भैया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होम वर्कआउट। ठीक है। हाउ टू डू वर्कआउट एट होम। ठीक है। तो आज मैं आपका ट्रेनर हूँ। ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे साथ हमजा भाई भी हैं और कैमरे की उस तरफ और कैमरे की इस तरफ आपके सामने मैं हूँ। ठीक है। ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज। ठीक है। ये आप लोग ना समझिएगा कि हम रोजे के अंदर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी अफ्तारी की है थोड़ी देर पहले, जैसे कि बयान ने आपको दिखाया कि हम बाहर घूम फिर के आए हैं। ठीक है। और साथ में हमने वाटरमेलन खाया। ठीक है। वो डाइजेस्ट वगैरह कर लिया हमने, तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक क्यों एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और मैं 4 सेट भी कर चुका हूँ। ठीक है। और मैं बैक की आज एक्सरसाइज करूँ तो आपको मैं सिखाता हूँ आज। ठीक है। ये कैसे करते हैं? ठीक है। यह मेरा 5वां सेट है। ठीक है। इसको ऐसे उठाना डंबल को। ठीक है। इस तरह से उठाना है और किसी तरीके से नहीं उठाना, और इसको ऐसे उठाना है। ठीक है। ऐसे कर लें, पाँव का फासला बराबर रखें। ठीक है। थोड़ा झुक जाएं, इस तरह घुटनों को बेंड कर लें। ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं। The chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. अब हम आपको दिखाएंगे बैक के मसल की सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि अली भाई आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। किधर किधर कौन है एक्सरसाइज होगी और दिखाएंगे आप। अच्छा अच्छा मैंने क्या पता नहीं क्या दिखाएंगे। अच्छा एक्सरसाइज दिखाएंगे आप पूरी बात नहीं बताए। एक वक्त में एक डंबल अली के हाथ में होगा, सिस्टम लैरी व्हील्स आपके सामने कैमरे के सामने खड़ा है, और दूसरे हाथ में भाई ने कुछ और पकड़ा होगा। जी हाँ। वाला नहीं समझाना जी, ये चेयर पकड़ी होगी। आप लोग क्या सोच रहे? हाँ ये नहीं है कि मेरी गर्दन ही पकड़ी होगी इसने, चेयर पकड़ी होगी। पॉजिटिव। यस चलिए अब स्टार्ट करें। ऐसे करना है आपने, ऐसे करना है, सिंपल है। Thank you.
और अब जी एक्सरसाइज दूसरे हाथ से करेगा दी। अच्छा भैया ना दरमियान में खामोश हो जाते, मैंने कहा पता नहीं हमसे कोई गायब किधर हो गए, वो तो भैया वीडियो बना रहे थे मेरी। मैं बात नहीं करता कि आपको हंसी ना आ जाए, हंसी आ गई तो आपके हाथ से डम्बल गिर के पाँव पे गिर जाएगा। नहीं नहीं इतना मैं अभी अनप्रोफेशनल नहीं हुआ। इतना लंबा रॉड? जी भाई इतना लंबा रॉड क्या? ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। अच्छा थर्ड एक्सरसाइज सोच लें। अच्छा जी थर्ड एक्सरसाइज है और इसको क्या वैसे करना होगा? हमने क्या करना होगा? कुछ तो करना होगा। खतरनाक चीज तो नहीं है? बहुत खतरनाक है। अच्छा बच्चों के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है? डोंट ट्राई इट। आंखें बंद कर लें जी। बच्चे जो है ना वो हैंड वो लगा लें, क्या नाम है, हेडफोन लगा लें बच्चे जी। और अगर आप लोग वो बैठे हैं क्या नाम है फैमिली के साथ तो दूसरे वाले कमरे में चले जाएं जी, ठीक है? अच्छा जी ये ग्रिप पहले आप देख लें, दोनों हाथ सही तरह रख लें, ठीक है? रॉड के ऊपर। अच्छा माशाल्लाह लगता है ऐसे दो बच्चे एक दूसरे से रॉड खींच रहे हैं, एक इनविजिबल और एक विजिबल है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे सिखाओगे भाई? नहीं। यस चलो मैं भी कराया करता हूँ। जी तो एक्सरसाइज हमारी एंड हो चुकी है, ठीक है? और हमजा भाई ने भी आज काफ़ी टाइम के बाद भरपूर एक्सरसाइज की है मेरे साथ वर्कआउट एट होम, ठीक है? और मैंने भी किया है वर्कआउट एट होम। तो आज की इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों की फरमाइश होगी, अगर आप लोग गलती से भूल कर कोई कमेंट कर दे मुझे और कोई अगर आप फरमाइश कर दें कि आप फलां एक्सरसाइज हमें सिखाएं, या बाइसेप की या ट्राइसेप की या फिर चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे करते हैं घर पे, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपने गलती से कमेंट कर दिया मुझे, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हमजा भाई आपने कोई बात करनी है? मैं थक चुका हूँ जी हाँ, मेरी बुरी हालत है जी हाँ, तो मैं सैरी करने जाऊंगा जी हाँ, ताकि एनर्जी रिस्टोर हो जाए। भैया फुल एक्टिव मोड में लगे हुए हैं इस टाइम, ठीक है? तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और रमज़ान शरीफ मुबारक और एडवांस ईद मुबारक, शायद मैं ईद पर आपको नजर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।